रामपुर जनपद न्यायालय सिविल डिवीजनल कोर्ट ने अगस्त माह में विद्युत वितरण विभाग को सील करने का आदेश दिया था। आज न्यायालय प्रक्रिया के चलते विद्युत वितरण प्रथम कार्यालय को कुर्क कर कार्यवाही करते हुए न्यायालय आदेश अनुसार नियमित रूप से सील कर दिया गया है। वर्ष 2014 में मुआवजा की राशि भुगतान न कर पाने की स्थिति में यह कार्रवाई की गई है। यदि समय रहते भुगतान कर दिया होता तो शायद आज न्यायालय के आदेशित कार्यवाही से विद्युत वितरण विभाग को यह दिन देखने को नहीं मिलता। विद्युत वितरण विभाग रामपुर पर 4,25,000 कुछ 100 रुपया बकाया भुगतान राशि का मुआवजा देना था। विद्युत वितरण विभाग की लापरवाही से आज न्यायालय को कुर्क करने का आदेश दिया है, जिसकी कार्यवाही सुनिश्चित कर विद्युत वितरण कार्यालय सीज कर कार्यवाही की गई है। प्रथम का कार्यालय सील किया है, क्या कहना चाहेंगे, क्यों सीज किया? वो जो न्यायालय से मुझे आदेश मिला था, सिविल जज सीनियर डिवीजन का जो आदेश था, 1 अगस्त 2022 का आदेश था, उसमें विद्युत वितरण खंड प्रथम के कार्यालय को कुर्क करना है और उसके जो सामान जो कुर्क किया हुआ सामान है उसी कार्यालय में ही रखा जाना है, रख करके उसके कार्यालय को सील किया है। तो ये मैंने कार्रवाई की। किस वजह से ये कार्रवाई की गई? विद्युत वितरण खंड द्वारा प्रथम द्वारा ये कोई मुआवजा नहीं दिया गया था, जिसके कारण ये सीलिंग की कार्रवाई की गई। अच्छा, कितना मुआवजा है जो विद्युत वितरण खंड को देना है? जो न्यायालय द्वारा मुझे विद्युत वो जो मिला था मुझे, वो था 4,25,189.50 रुपये। ये रुपए मुआवजा देना था विद्युत वितरण खंड प्रथम को, जो कि अभी तक उन्होंने भुगतान नहीं किया। इसे 2014 तक था ना? 2014 का आदेश था। आदेश था तो अब ये सील जो किया है ऑफिस, अब किस तरह से खुलेगा, क्या करना पड़ेगा कार्यालय को? ये माननीय जैसे न्यायालय के आदेश से सील हुआ, वैसे ही न्यायालय के आदेश से ही इसकी ओपन की कार्रवाई की। टोटल कितना इनको देना है भुगतान? 4,25,189.50 रुपये। तो आज आपने पूरा विभाग सील किया, कोई एक कार्यालय सील किया? ये उसमें आदेश जो था, उसमें आदेश में ये लिखा था विद्युत वितरण खंड के प्रथम का जो कार्यालय है उसमें रखे सामान को कुर्क करके उस कार्यालय को सील किया गया। इसी वजह से मैंने इस केवल कार्यालय की कार्रवाई की। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टोमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। हड्डी रोग विभाग की एडवांस यूनिट, जहां पर जोड़ प्रत्यारोपण यानी कि घुटना रिप्लेसमेंट, कूल्हा रिप्लेसमेंट, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन एवं फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर, सरिया या प्लेटिंग आदि की सर्जरी की जाती है। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से हर प्रकार के लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, बच्चों के हर प्रकार के रोगों का इलाज हॉस्पिटल NABH से मान्यता प्राप्त है। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्लोर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा, लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा।